ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात फैल रही है, ये इंसिडेंट लोगों की आंखों के सामने आ रहा है, लोग इस पे बात कर रहे हैं, डायलॉग स्टिम्युलेट हो रहा है, लोग इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं और डिफरेंट जो हैं वो सॉल्यूशंस आगे आ रहे हैं कि हमें किस तरह से आगे लेके इस पूरी सिचुएशन को चलना है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जब तक एक्शनेबल पॉलिसीज़ और एक्शनेबल जो हैं वो एक्शनेबल तब्दीली की तरफ अगर हम नहीं जाएंगे तो हम वही बातें ही करते रह जाएंगे और आगे नहीं चलेंगे। बातों से मतलब कुछ और बातों से नहीं। मतलब कुछ नहीं है, कोई भी आके इस इंसिडेंट के बारे में बात कर सकता है, बात करना बहुत आसान है, लेकिन जो उस औरत पे गुजरी है, जिस ट्रॉमे से वो अभी गुजर रही है मेंटली और फिजिकली, वो किसी किसी को भी उस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ना समझ आ सकती है ना समझ आ रही है। और लाइक आई सेड, बातें करना हमारे लिए बहुत आसान है। अब बात ये आ जाती है कि हम एनजीओज़ ने, जिस तरह के मैं आज यहाँ बैठी हूँ छाप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम एनजीओज़ ने ही गवर्नमेंट इदारों के साथ मिलके और कानूनी इदारों के साथ मिलके हमने एक चेंज लेके आना है। और ये चेंज अवेयरनेस के बगैर नहीं आ सकता। रवैये में तब्दीली लाना, माशरे में तब्दीली लाना, सोच में तब्दीली लाना सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से नहीं आ सकती। अवेयरनेस मिल यू नो अवेयरनेस जो है वो जो है लेजिस्लेशन, अवेयरनेस, डायलॉग, ये सारी चीज़ों का इकट्ठा साथ साथ चलना और इसको आगे बढ़ाने से ही इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में तब्दीली आएगी। हम लोग इधर छाप फाउंडेशन में अपना पहला सेमिनार लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर सेक्सुअल असॉल्ट एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। इस सेमिनार में हम बात करने नहीं आ रहे हैं, हम एक्चुअली इस सेमिनार में ये ख़वातीन को सिखाने आ रहे हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन को ये सिखाने आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जब वो इन सिचुएशंस के अंदर अपने आप को पाती हैं या इन सिचुएशंस के अंदर फंस जाती हैं, तो वो किस तरह से छोटी छोटी फिजिकल टेक्निकलिटी सीख के अपने आप को इन इंसिडेंट से निकाल सकें, कैसे अपने आप को उन्होंने बचाना है, उन्होंने चीख कैसे मारनी है, नाक के ऊपर किस तरह से मारना है, फिजिकल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सिखाने की ज़रूरत है ख़वातीन को, ताकि वो इन इंसिडेंट्स में अपनी पूरी कोशिश करके इन इंसिडेंट से अपने आप को निकाल सकें। ये ट्रेनिंग जो है ये लैक करती है हमारे सिस्टम में, ये ओवरऑल लैक करती है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। एंड आई बिलीव कि लेजिस्लेटिव चेंज के साथ साथ हमें हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, वेदर इट बी को इंस्टीट्यूशंस और सिंगल सेक्स इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एक ट्रेनिंग करिकुलम का हिस्सा बननी चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आके सेल्फ डिफेंस का एक मॉड्यूल होना चाहिए जो पढ़ाया जाना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए मेल्स और फीमेल्स दोनों को, ताकि आदमी भी समझ सकें कि रेप का इंसिडेंस जो है वो एक कितना बड़ा जुर्म और क्राइम है, और औरतें समझ सकें और गर्ल्स समझ सकें कि वो अपने आप को इसके अंदर से, अपने आप को किस तरह से बचा सकती हैं और अपने आप को इन हादसों से किस तरह से निकाल के आगे बढ़ सकती हैं। मतलब ये वक्त की अहम ज़रूरत है अभी। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। एंड इट्स शॉकिंग कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब आप अपनी यूथ को जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो ये हमारे करिकुलम के अंदर चीज़ है ही नहीं। तो ये व्हाट आई एम अर्जिंग इज एंड व्हाट वी विल बी डूइंग विद छाप इसके वी ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस टू स्टार्ट working on how to implement such solutions within the educational curriculum and in the educational systems. Hamari already Pakistan पंजाब वुमेन्स राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ ऑफ पंजाब के साथ बातचीत आज भी मेरी डीजी साहब के साथ हुई है, मेरी परसों भी उनके साथ मीटिंग है और वो इवेंट पे भी हमारे आएंगे, उनके साथ यही मिलके हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सेल्फ डिफेंस को वर्चुअली सिखा पाएँ अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन को, और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिलके गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लेके जा